तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स और सिविल अदालतों को रेलवे के केसेस दो माह में निपटाने का हुक्म जारी। केआर रॉयल पाम का चार्ज फर्गुसन कंपनी ने संभाल लिया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, तमाम रिकॉर्ड कंपनी को दे दिया। क्लब की साबिक इंतजामिया का जवाब, रॉयल पाम क्लब का ऑडिट फर्गुसन नहीं ऑडिटर जनरल करेगा। चीफ जस्टिस का हुक्म जारी। क्लब में गैर कानूनी सिनेमा घर और शादी हॉल बनाए गए। इंतजामिया को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की वजीर रेलवे को तमाम जेर अल्तवा केसेस की फहरिस्त फराहम करने की हदायत। रेलवे की कानूनी टीम को अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकता। वजीर तो ग्रेड बी से ऊपर तबादला भी नहीं कर सकता। शेख रशीद, क्यों तब्दील नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रेलवे की कानूनी टीम के सरबराह ताहिर परवेज एडवोकेट को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने 1990 के मुकदमा का 30 दिनों में फैसला करके रेलवे पर एहसान किया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, शहरियों पर टैक्स लगाने वाले खुद ही फंस गए। एफबीआर ने एक्साइज के अकाउंट्स मुंजमित करके 1,90,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली। मैकमा एक्साइज विद होल्डिंग टैक्स की मद में 39,99,00,000 रुपए का नादहिंदा है। नेशनल बैंक मॉल रोड ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमित कर दिए। ज्यादा कमाई कम बताई, एफबीआर की रहीम स्टोर की दोबारा मॉनिटरिंग का दूसरा रोज। रहीम स्टोर की 4 घंटे की सेल 30,00,000 रुपए रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया का 50,00,000 रुपए की अदायगी के बाद बकिया टैक्स अदा करने से इनकार। 31 दिसंबर तक मॉनिटरिंग करने के बाद रोजाना की सेल्स की बुनियाद पर टैक्स हाइक किया जाएगा। जराए एफबीआर। मेट्रो बस सर्विस लावारिस, तब्दीली सरकार के दौर में मेट्रो बस के बेशतर स्टेशन के पर की जीने 6 माह से बंद हैं। ट्रैक भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया खामोश, मरीजों और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद परेशानी। सीढ़ियां चढ़ना मुहाल, हुकूमत रिलीफ देने के बजाय सहूलतें छीन रही है। शहरियों की दुहाई। तजावुजात माफिया शेर, इंतजामिया ढेर, सियासी असर काम कर गया। शाह आलम मार्केट में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन को ब्रेक लग गई। मिसमारी का फैसला कमेटी के सपुर्द। बाअसल लीगी रहनुमा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की शर्त पर ऑपरेशन बंद किया गया। जराए का दावा। खोखर बरादरान के खिलाफ अराजी पर कब्जों से मुतालिक केस, चीफ जस्टिस ने कंसोलिडेशन ऑफिसर नवीद आलम को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। महकमे रेवेन्यू और दीगर महकमों के मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। लॉर्ड मेयर को सुपहर 3 बजे तलब कर लिया। एलजीए खोखर पैलेस का दौरा करके रिपोर्ट जमा करवाए चीफ जस्टिस। खोखर बरादरान के कसूर में भी जमीनों पर कब्जे, डीसी कसूर साहबजादी वसीमा उमर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। अदालत मुदाखलत ना करे तो मामलात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। समरी वजीर आला पंजाब के पास पड़ी रहती है। बहुत सी समरीज ऐसी हैं जो 2 घंटे भी नहीं रुकनी चाहिए। नया गाज डैम की तामीर से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वफाकी हुकूमत से डैम की तामीर से मुतालिक टाइम शेड्यूल तलब कर लिया। आपको इफ्तिताह करने की जरूरत होती है, हमें डैम की तामीर का टाइम फ्रेम दें। पानी और सेहत के मामलात में इल्तवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की वजह से मामला इल्तवा का शिकार ना हो, चीफ जस्टिस। वफाकी वजीर फैसल वाजा और खुसरो बख्तियार अदालत में पेश। आसिफ अली जरदारी ने कल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। अली रजाबी के कत्ल में बानी मुतहिदा मुलविस हैं, फैसल वाजा का दावा। सिंध हुकूमत सो रही है, हर पाकिस्तानी की जान अहम है। कातिलों को जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे, फैसल वाजा की गुफ्तगू। सूबाई मैनेजमेंट सर्विसेज अफसरान के इलेक्शन 13 जनवरी को होंगे, शेड्यूल का ऐलान। वही दफ्तर अंसारी एमडी पंजाब सेट कॉरपोरेशन इलेक्शन कमिश्नर तायुनात। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक कागजाते नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ओहदे से रिटायर्ड, फाजिल जज के एजाज में हाईकोर्ट में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस इनवार समेत जजेस और बुकला ने अलविदा किया, गुलदस्ता भी पेश किया।